बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। A1 TV के न्यूज स्टूडियो से मैं हूं अदील मुमताज और मैं हूं आमना मजीद। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बेपर जॉय की शिदत में कमी, सिंध की साहली पट्टी में तबाही टल गई, बारिश की पेशगोई बरकरार, समंदरी तूफान कमजोर होकर शाम तक डिप्रेशन में तब्दील होने का इम्कान, कराची में आज और कल दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्के, ठट्ठा सजावन बदीन थरपारकर मीरपुर खास में कल तक मूसलाधार बारिश का इम्कान, टंडू मोहम्मद खान और टंडू अलीजार में भी वक्फे वक्फे से बादल बरसेंगे, बारिश के दौरान 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। समंदरी तूफान के मशरकी सिंध की साहली पट्टी पर असरात, केटी बंदर और गिरदोनवाह में नशेबी इलाके डूब गए, कच्चे घर लहरों की नजर, इस्लाम कोट डिबरपुर नगर पार्कर छाछूछर और ठट्ठा के इलाकों में बारिश, पानी घरों में दाखिल, सरकारी अस्पताल और निनगर पार का बाईपास जेरे आब आ गए, साहली पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त जड़ों से उखड़ गए, हजारों अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। समंदरी तूफान का भारतीय गुजरात की साहली पट्टी पर लैंडफॉल मुकम्मल हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक बेपर जॉय ने तबाही मचा दी, 22 अफराद जख्मी हो गए, 3000 से जायद बिजली के खम्भे गिर गए, 500 से जायद दरख्त उखड़ गए, भारतीय गुजरात के 45 देहात को बिजली की फ्राहमी मुअत्तल हो गई, साहली इलाकों से 1,00,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। भारतीय रियासत गुजरात में तालीमी इदारे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बंदरगाहें बंद, परवाजें और ट्रेन्स भी मंसूख कर दी गई। सानिहा 9 मई के मुलजमान की शिनाख्त परेड 48 घंटे में मुकम्मल करने का हुक्म, लाहौर हाई कोर्ट ने 13 सफहात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। शिनाख्त परेड का मौजूदा अमल नाकारा, ताखिर से शहरियों की आज़ादी पर कतगन लगाई गई, बेगुनाह शख्स के लिए ट्रायल से पहले गिरफ्तारी तस्दीक से कम नहीं, अदालतों को इंतजामिया का जायजा लेने की जरूरत है। और शरपसंद मोहम्मद फैसल के अहले खाना की 9.5 मई की मजम्मत, शरपसंद के भाई सुहेल अब्बास ने कहा है कि फैसल 1 साल से चेयरमैन PTI की तकारीर सुन रहा था, जिसका अमली नमूना 9 मई को सामने आया, चेयरमैन PTI की वजह से उनके भाई का मुस्तकबिल तबाह हो गया और चेयरमैन PTI ने अपने कारकुनान को पहचानने से ही इनकार कर दिया, अवाम से दरखास्त है कि PTI की प्रोपेगेंडे की जद में ना आए। हेडलाइंस आपने जानी A1 TV के न्यूज स्टूडियो से, फिल वक्त इतना ही, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV सब पे नजर, अंदर की खबर।